हाँ एडिशन ऑफ कार्बन आयन्स ऑन पोलर डबल बॉन्ड, पोलर डबल स्लैश ट्रिपल बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एज इन कार्बोनिल्स कार्बोनिल कंपाउंड्स। बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड में बड़ी मजेदार चीज होता है, जैसे देखो सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर सी एच एक सिंगल कम से कम रहना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे इधर भी या इधर नहीं भी रह सकता है, किसी एक तरफ भी रहेगा तो चलेगा। तो एक ये अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन अगर है ना तो ये रिमूव हो सकता है, टॉटोमेरिज्म वगैरह में बताया था मैंने, राइट। और ये रिमूव होगा तो यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज, ये कार्बन आयन जो है, ये इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, मतलब अपने ही टाइप का दूसरा मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर ये अटैक करेगा। यहाँ से ये बॉन्ड ओपन होता है, निगेटिव चार्ज आता है, फिर ये बॉन्ड और ये होता है, क्या बोलते हैं, सॉरी, ये निगेटिव चार्ज बनता है। निगेटिव चार्ज जो है बेसिकली सॉल्यूशन से एच प्लस अक्वायर करता है, जो यहाँ से एच निकला है जिसकी वजह से माइनस चार्ज आया, वो एच प्लस को ये अक्वायर करता है, फिर ओ एच बन जाता है। एंड इसका फिर आगे का फिर डिसाइड होगा कि रिएक्शन कंडीशंस कैसे हैं, एसिडिक है बेसिक है, जिस तरह के रहेंगे, या हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड दिस फॉर्म ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसमें कई एक सारे रिएक्शन है, तीन चार एक्चुअली प्रोफाइलिक रिएक्शन और नेम्ड रिएक्शन है इसको लेकर, ठीक है। सो दिस इज अनदर थिंग वेयर कार्बन आयन और कार्बन आयन डू वर्क, और दैट इज द फेट ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन मे परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क। ये बात समझ में आ रही है ना, निगेटिव है तो ये पॉजिटिव सेंटर थोड़ा सा बना तो पॉजिटिव वाले की तरफ ये अट्रैक्ट होगा एंड अटैक करेगा, इज दैट ओके। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर, मतलब इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, इसका बल्क कैसा है, इस कार्बन की ओपननेस कैसी है, दोज थिंग्स विल बी अकाउंटेड इन डिटेल इन मे बी रिएक्शन मैकेनिज्म और तो कुछ। नहीं समझा बट ये क्या नहीं समझा इसमें? उस सी का नेगेटिव चार्ज बाजू वाले सी पे शिफ्ट हो गया ऐसे। हाँ नहीं, अबे देखिए, टॉटोमेरिज्म हमने पढ़ा था तो हमने ये डिस्कस किया था, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी के बारे में कुछ पढ़ा था क्या हम लोगों ने? सर भूल गए, टॉटोमेरिज्म याद है? ऑसो वेरी गुड। टॉटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन के इसमें पढ़ा था हम लोगों ने कुछ कि नहीं पढ़ा था एसिडिटी के बारे में? सब पढ़ा था। पढ़ा था ना, हाँ तो फिर इसका होगा कि नहीं होगा? सर बट यहाँ पे कार्बन आयन कहाँ पे है? अभी कार्बन आयन बनेगा ना, ये हाइड्रोजन हटेगा, एसिडिक है तो यहां पर क्या बन हाँ जाएगा, नेगेटिव। निगेटिव बनेगा ना। हाँ नहीं वो समझा, फिर उसके बाद आपने अब वो इसके बाद ये निगेटिव जब बन गया तो ये निगेटिव कुछ करेगा ना, बन के बैठा तो रहेगा नहीं,
तो ये निगेटिव अपने ही स्पीसीज के दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन जो कि डेल्टा पॉजिटिव है इसके ऊपर अटैक करता है। हाँ, उसके लिए डेल्टा पॉजिटिव कार्बन चाहिए। हाँ सॉरी, उसके लिए डेल्टा पॉजिटिव कार्बन चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए लिखा है पोलर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। और सर समझो, मुझे लगा कि वो वही कंपाउंड को अपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसलिए मुझे नहीं समझा ऐसा मैंने बोला। क्या बोल रहे हो? सॉरी, नहीं सर, मैं बोल रहा था कि मुझे पहले लगा वो लेफ्ट वाला राइट बन गया, इसलिए मैंने सब बोला कि मुझे नहीं समझ, बट अभी समझ। ठीक है। ये तीन फेट इसके मेनली रहते हैं, और तो मेजर इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो हुआ, सॉरी ये भी एक रहा नाम, ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज वन सच रिएक्शन। मतलब ये माइनस वाला जो है ये एक्चुअली ये इसका है नहीं, और इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन और नॉन रीअरेंज्ड कार्बन आयन निगेटिव, ये एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन, और ये दो अलग अलग रिएक्शंस हैं एक्चुअली। आई एम सॉरी, ये वाला जो रिएक्शन देखा है मैंने ना कार्बन आयन का, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और नॉन और रीअरेंज्ड और नॉन रीअरेंज्ड कार्बन आयन्स, इसका मतलब बेसिकली इसके एग्जाम्पल जो होंगे ना, सपोज आर माइनस, ठीक है, किसी भी तरीके से आर माइनस, जनरली आर एमजीएक्स से बनता है आर माइनस, ठीक है, और बनता कैसे वो पिछले वाले स्लाइड में बताया था मैंने, आर एमजीएक्स ब्रेक डाउन इनटू आर माइनस, और ये आर माइनस हमारा जो है, और ये जो एंटिटी है ना कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल के ऊपर अटैक करती है। बात समझ में आ रही है? या फिर कोई भी और पोलर रहेगा, ठीक है, सो हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और नॉन रीअरेंज या रीअरेंज कार्बन आयन बोल ले, या फिर अदर वे राउंड, कार्बन आयन्स आर न्यूक्लियोफाइल्स, सो न्यूक्लियोफाइल्स आर अटैकिंग द डिफिशिएंट सेंटर्स, ठीक है, सीएन के ऊपर भी इसका एडिशन होता है, सीएन कोई भी है आरसीएन ना, इसके ऊपर ये आर माइनस का एडिशन होएगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह के जो पोलर सिस्टम्स, डबल बॉन्डेड पोलर सिस्टम्स रहेंगे ना, उन सबके ऊपर ये आर माइनस का एडिशन होता है, एंड या आर माइनस के ऊपर इनका एडिशन होता है, जैसे भी बोलना है हम लोगों को, नॉन रीअरेंज्ड कार्बन आयन और रीअरेंज्ड कार्बन आयन बीइंग एडेड। इसको अगर लाइक थोड़ा डिफरेंटली लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और रीअरेंज्ड और नॉन रीअरेंज्ड कार्ब अनायंस रीअरेंज्ड और नॉन रीअरेंज्ड कार्बन आयंस आर एडेड टू पार्शियली पॉजिटिव सेंटर्स
आर्सेनिक पॉजिटिव सेंट्रल्स, और ये यहां पर जो है कार्बोनिल कंपाउंड पे एडिशन, दिस इज वी आर टॉकिंग इन प्रिटेक्स्ट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शंस, कंडेंसेशन रिएक्शंस, इज दैट ओके? सो दीज आर फोर फेट्स विच अ कार्बन आयन कैन हैव. नाउ नेक्स्ट थिंग टू टॉक अबाउट रिगार्डिंग देम इज देयर स्टेबिलिटी. ठीक है, आज का डेट कितना है? सी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का अगर हम देखते हैं ना, तो आइडिया हियर आल्सो इज स्टेबिलिटी ऑर्डर, हाउ वेल द चार्ज इज डिस्पर्स्ड, राइट? तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल जो रहता है एक एरोमेटिक सिस्टम है हमारा, विच इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन आयन, विच इज अ एरोमेटिक सिस्टम, राइट? ये सबसे ऊपर रहता है. इसके बाद जो मोस्ट स्टेबल चीज है वो है हमारा एच सी ट्रिपल बॉन्डेड सी माइनस एसिटिलीन पर से हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, दिस कार्बन आयन इज नेक्स्ट विच इज स्टेबल. पोस्ट दिस वी हैव दिस सिस्टम विच इज अगेन गुड एट स्टेबिलिटी, ठीक है, माइनस यहाँ का भी एच एसिडिक होता है निकल गया तो ये निगेटिव चार्ज तीनों बेंजीन रिंग के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करके एंड मजबूत रहता है, स्टेबल रहता है. दो फाई के साथ भी विथ सी एच माइनस चार्ज दैट इज स्टिल स्टेबल, और सिंगल वाले की स्टेबिलिटी उसके बाद रहती है सी एच टू माइनस, और दिस इज फॉलोड बाय अलाइलिक सिस्टम. दिस इज फॉलोड बाय अलाइलिक सिस्टम, विच इज फर्दर फॉलोड बाय विनाइलिक सिस्टम, विच इज फॉलोड बाय दिस नहीं सॉरी दिस इज नॉट देयर. ओके, दिस इज फॉलोड बाय द मिथाइल इसके बाद ये सी एच टू सी एच थ्री माइनस और देयर कम्स दिस एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग 3 डिग्री. ठीक है, 3 डिग्री कार्बन आयन इज गोइंग टू बी मोस्ट अनस्टेबल. इज दिस ओके? क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट टू इट इज
वी वुड जस्ट लाइक टू ऑब्जर्व सम स्टेबिलिटी पैटर्न्स और वुड लाइक टू सी सम ये questions. Arrange the following in increasing stability order. This could be a
बी और सी में डिफरेंस क्या है सेकंड के? वो क्या क्या, आई है क्या बी में सेकंड का? हाँ ये आई है, IOD। सर फर्स्ट वाला देखा हूँ, सर इसमें भी रेजोनेंसी पहले देखना होता है क्या? ऑब्वियसली रेजोनेंस पहले देखोगे, सबसे ज्यादा डिस्बर्सल उसी से होगा ना कभी भी। डी सर पहले का DBCA, बी सी है। नहीं सॉरी उल्टा, मतलब DBCA डिसेंडिंग बोला, ACBD। ACBD ठीक है, सारे लोगों को और समझ क्या में आ रहा इनका? है इजीली? हेलो सर एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ देखो, ए में यहाँ पर जो चीज अटैच्ड है, देखो रेजोनेंस तो यहाँ पर किसी में होने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम है नहीं। ओनली थिंग विच इज पॉसिबल इज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी इसमें, इसमें और इसमें है। एफ अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर खाली ऑर्बिटल होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें सबसे ज्यादा होगा। और इंडक्टिव भी देखते हैं तो सी के थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट भी, चूंकि ये तीन हाइप फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सिग्निफिकेंटली इस तरफ ट्रांसफर होगा क्योंकि ये यहां से पुल करेगा। ठीक है, सो CF3 इज गोइंग टू पुल द नेगेटिव चार्ज ऑन CH2 टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, फॉलोड बाय जब दो फ्लोरीन अटैच होंगे एंड फॉलोड बाय जब एक फ्लोरीन होगा, फॉलोड बाय जब एक भी फ्लोरीन नहीं होगा। समझ गया सर। हाँ ठीक है, सर, सो द ऑर्डर इज गोइंग टू बी ए लेस देन सी लेस देन बी लेस देन डी। ठीक है, सेकेंड का BCA। बी का सबसे कम स्टेबिलिटी फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय ए सर अगर विड्रॉ। क्वेश्चन है, ए और सी होता लेकिन ई की जगह आई होता, कहाँ पे है? अगर सेकेंड वाले में ए और सी ऑप्शंस खाली दो होते, पर ए में ऐसा आई होता। क्लोरीन होता आयोडीन के बदले। हाँ, अगर आयोडीन ज्यादा उसको कॉन्सेंट्रेट कंपेयर नहीं कर सकते नहीं कर हो। सकते। हाँ हाँ, सारी चीजें जरूरी नहीं है कि क्वालिटेटिवली कंपेयर ही, बात समझ रहे हो? थर्ड वाले में क्या होगा? तो सी ईबीए क्या क्या ईबीए। हाँ सी सबसे कम क्यों? नहीं, ओ ए सबसे कम सर, ए सबसे कम, उसके बाद एबीसी। ठीक, ए बी सी इज गोइंग टू बी द ऑर्डर। ये विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोजेस्ट यहां पर है और पैरा पोजीशन पर यहां पे है, मेटा पर यहाँ पर है, मेटा से ये पुलिंग, बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ यहाँ और यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, मेटा पोजीशंस पे इस जगह से सबसे कम रहेगा। पर मेटा पे रेजोनेंस होता ही नहीं है ना। नहीं, रेजोनेंस होता है बट चार्ज डेवलपमेंट बहुत कम होता
पार्टिसिपेट तो वो भी करता है, बट हर सेंटर जो है एक्टिवली नहीं रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, नहीं चार्ज उनके ऊपर नहीं आता है, कुछ सेंटर पर आता है कुछ सेंटर पर नहीं आता है, तो ये मेटा सेंटर जो होता है उसके ऊपर चार्ज नहीं आता है, नेगेटिव टाइप वाला हो या पॉजिटिव टाइप वाला हो। ठीक है, इज दैट ओके? यस ठीक, नेक्स्ट थिंग इज ठीक हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स नेक्स्ट वन इज बी, सॉरी फोर्थ वन, एंड हियर वी हैव सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ एच विथ माइनस साइन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इज सी एच टू विथ सी ट्रिपल बॉन्ड एन विथ माइनस साइन, एंड डी सी एच टू विथ एन ओ टू माइनस साइन। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, चौथा नहीं पांचवा जो है वो है हमारा एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। रिमेम्बर अबाउट दिस, यहां पर नेगेटिव चार्ज, लास्ट वन ओ टी, सर सर फोर्थ के सी में रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? और किसमें? फोर्थ में, सी में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है? सर तो मेरा आंसर आ गया। ओके, एक मिनट खाली, छठा वाला क्वेश्चन देखो।
ओके, आई हैव दिस मॉलिक्यूल माइनस यार। कंफ्यूज हो गया। ओ अच्छा, और फोर्थ में एबीसी है। सॉरी बेटा, क्या बोल रहे हो? फोर्थ का क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा फोर्थ का फाइनल? हेलो, बी ए सी, सॉरी, बी ए सी सबसे हाँ ज्यादा, बी उसके बाद ए नहीं, स्टेट, तो असेंडिंग ऑर्डर में करना। असेंडिंग मतलब सबसे कम स्टेबल बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए हाँ, होगा। ऐसा बी क्यों होगा, फिर लग ए होगा, फिर सी होगा, रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? पर तीनों में रेजोनेंस है हाँ और इंडक्टिव इफेक्ट तो ज्यादा शो करेगा ओ कंपेयर टू एन, तो ए और बी में तो ए ज्यादा होगा स्टेबल। नहीं, इट्स अदर वे राउंड, और ये ऑर्डर इसी तरह का रहेगा, ए इज लीस्ट फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय सी। ठीक है, रेजोनेंस जो हो रहा है एक्चुअली इसमें इंडक्टिव भी अगर देखेंगे हम लोग ना, तो ये वाला जो सेंटर है दिस इज गोइंग टू बी मोर इंडक्टिवली पुलिंग कंपेयर टू दिस सेंटर। कार्बन इज अटैच टू दिस इज sp2 कार्बन, ठीक है, विच इज अटैच टू द निगेटिव सेंटर, और ये कौन सा कार्बन है? sp। पर तो किसकी तो ज्यादा फिर क्या पुलिंग? देखना होता है, मतलब इधर ओ को देखूं या सी को देखूं? नहीं देखो, आप क्या देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, जैसे आप क्या देखने की कोशिश कर रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इंडक्टिव, ठीक है ना, तो हाँ इंडक्टिव के टाइम पर आप क्या देखोगे, पुलर कौन है? अब हाँ इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड ऑक्सीजन तो है नहीं, नहीं, और नाइट्रोजन है यहां पर। इट इज दिस हाँ sp3 एंड sp2 कार्बन विच आर अटैच डायरेक्टली टू द निगेटिव सेंटर। तो अगर वो एन है उसके जगह सी एच होता तो सी कहां पर सीएच होता? ट्रिपल बॉन्ड एन के जगह सी एच होता खाली। हाँ, तो भी इंडक्टिवली जब देख रहे होते हैं ना तो यही डोमिनेट कर, क्योंकि sp3 कार्बन है। हाँ sp। सॉरी, sp है। हाँ अभी हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पर हमारी ऑर्डर क्या थी, स्टेबिलिटी ऑर्डर में दिस वाज स्टेबल, ओ देन हाँ सर, फाइव रेजोनेंस, ठीक हाँ है ना। मैंने वो ऑर्डर क्वेश्चंस के टाइम पे देखा नहीं। चलेगा, कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूं, पहले रिमाइंड कर रहा हूँ। सो ट्रिपल बॉन्ड इज समथिंग विच हैज टू बी कंपेयर्ड
इंडक्टिव में जब देख रहे हो तो, और ऑब्वियसली इसका इंडक्टिव जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। और नाइट्रोजन भी जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, इट्स नॉट sp3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इज दैट ओके, विच इज हाँ डायरेक्टली सर, अटैच टू द कार्बन सेंटर। तो इंडक्टिव में भी चीजें बहुत क्लियर है, सी इज मोर इंडक्टिवली विड्रॉइंग, बी इज लेसर देन दैट, एंड ए इज लेसर देन दैट। हाँ नाउ सर, लेट अस कम ऑन रेजोनेंस विड्रॉल, ठीक है। तो रेजोनेंस विड्रॉल में तो लाइक इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इसका डबल बॉन्ड हो रहेगा और इधर एक सिंगल बॉन्ड हाँ कोऑर्डिनेटेड हो रहेगा, आपस सर, में भी ये डिस्पर्सल करते हैं डबल बॉन्ड का, और ये यहां पर आएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये इसको स्टेबलाइज कर पाएगा नेगेटिव चार्ज को, ये यहां पर भी स्टेबलाइज होएगा और यहां पर भी स्टेबलाइज होएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस विड्रॉल में भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, दिस इज गोइंग टू लीड द पैक। अब आते हैं आगे, ये जब डबल, ये अगर इधर आता है तो ये बॉन्ड ओपन होएगा यहां पर, दिस इज नाइट्रोजन विद नेगेटिव चार्ज, बट ये नाइट्रोजन जो है ये sp2 नाइट्रोजन है, इवन आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन कम्स ऑनटू दिस, दिस इज स्टिल sp2 नाइट्रोजन, और यहां पर जो है ना ऑक्सीज है, ये निगेटिव चार्ज जैसे ही यहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ पर, दिस विल बिकम sp, कैसा हो जाएगा, sp2 ही रहेगा, sp3 हो जाएगा, दिस विल बिकम sp3। sp2 हाँ सर, sp2 ना, sp2 कैसे रहेगा, वो नहीं सर, sp3 होगा। sp3 हो जाएगा, हाँ, sp2 नाइट्रोजन की एक्युमुलेटिंग कैपेसिटी sp3 ऑक्सीजन से ज्यादा बेटर रहेगी। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट, यस सर, ठीक है ना। तो दिस बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेटिंग कंपेयर टू दिस सिस्टम, देयरफॉर वी हैव दिस ऑर्डर। सो इंडक्टिवली भी यही ऑर्डर था एकोमोडेशन का या पुलिंग का, और रेजोनेटिकली भी यही ऑर्डर है, इसी डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो देर इज नो कंफ्यूजन। हाँ कंफ्यूजन का एक डेल्टा पॉइंट ये हो सकता है, थोड़ी देर के लिए अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन के कंपेरिजन में, तो चार्ज एकोमोडेशन नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन, बी और सी के केस में बात कर, ठीक है ना। यहां पर चार्ज एक्सपोनेंशियल ज्यादा हो सकता है यहाँ के कंपैरिजन में, ये एक डेल्टा फैक्टर सिर्फ रहेगा, बट व्हाइल डिस्कसिंग और थिंकिंग कि कौन ज्यादा एक्सपोनेंशियल है, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हैज टू बी केप्ट इन माइंड, इज दैट क्लियर, क्लियर टू एवरीवन यस सर, उमंग, यस सर, यस ओके। देन कम्स फिफ्थ वन, वी हैव सर, ए BAC बी एंड सी, सो बी इज गोइंग टू बी द लीस्ट फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय ए। सर, A और C में क्यों ऐसे है? हाँ यहां पर ये जो ऑक्सीजन पार्ट है ना, दिस इज नॉट फुली विड्रॉइंग एज दिस वन, ये वाला सेगमेंट तो सेम है दोनों में, बट ये दूसरा सेगमेंट जो है वो जितना ये विड्रॉ करेगा उतना ये विड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, देयर आर टू कॉन्जुगेशन साइमल्टेनियस, इस तरफ और इस तरफ, तो ये ऑक्सीजन जो है ये डिवाइडेड है बिटवीन दिस कॉन्जुगेशन एंड दिस कॉन्जुगेशन, तो इधर वाले को ऑब्वियसली ये कम अमाउंट या कम स्ट्रेंथ के साथ पुल कर पाएगा कंपेयर टू दिस वन, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी द लूजर, क्लियर। एम आई मेकिंग सेंस, इज इट क्लियर, यस सर, क्लियर। परफेक्ट। लास्ट वन, सिक्स्थ वन,
कैन वी कंपेयर दिस? और बट तो भी अब बी वो सी है, उसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस तो ज्यादा हो रहा है किस में? सी में? कैसे? सी में। हाँ नंबर ऑफ देखो एक मिनट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो ज्यादा बनेंगे। हाँ हो सकता है बनेगा, बट उससे हमको मतलब नहीं है ना। यहाँ पे मेरा चार्ज डिस्पर्सल कितना इफेक्टिव हो रहा है इस बात पे मेरी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी ना। स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं उससे इसका स्टेबिलिटी कंपेयर होएगा, ठीक है? नो डाउट अबाउट दिस। ये पूरे इंटायर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर हो सकती है। किसके साथ कंपेयर होएगी? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स के साथ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? या जिससे ये बना है, बट इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि ये जिससे बना है और ये जिससे बना है, इन दोनों के पोटेंशियल एनर्जीज में डिफरेंस कितने का है, तो नो डाउट दिस विल हैव लेसर डिफरेंस कंपेयर टू दिस वन। दिस विल हैव रिलेटिवली हायर डिफरेंस दैन द पैरेंट मॉलिक्यूल ऑफ, मतलब बेसिकली आप स्टेबिलिटी जो कंपेयर कर रहे हो वो किस चीज के बेसिस पर कर रहे हो? वो कर रहे हो आप इस चीज के बेसिस पर कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था वो बाहर निकला जब ये निगेटिव चार्ज बना, ठीक है? तो ये वाले सिस्टम और ये वाले सिस्टम के बीच की एनर्जी का डिफरेंस क्या है? बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर डिफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी हायर। अच्छा, क्रॉस कॉन्जुगेशन में ज्यादा नहीं, कम बनता है ऐसा नहीं होता है। क्रॉस कॉन्जुगेशन में हमेशा ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बट वहां पे कंपटीशन होता है। एक रेजोनेंस दूसरे रेजोनेंस का पत्ता साफ करता है। इज दैट ओके? यस सो यहाँ पे ये है कॉम्पिटिटिव रेजोनेंस या क्रॉस कॉन्जुगेशन, कॉम्पिटिटिव और क्रॉस कॉन्जुगेशन, विच इज डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। नाउ लेट अस कम टू दिस वन। हाउ डू वी रेट इट? वेयर विल दे ऑल बी? विच इज लेस, विच इज मोर? सिक्स पॉइंट का सोचा आप लोगों ने? हाँ ए और बी में नहीं समझ रहा। क्यों? क्या प्रॉब्लम हो रही है ए और बी में? अरे उनको कंपेयर कैसे कर? बहुत सिंपल है। बी वाले सेंटर में देर आर थ्री कार्बन अटैच टू द सेंटर विच हैज नेगेटिव चार्ज।
हाँ मैं आ रहा था, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऐसे, किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है? बी वाले में, क्योंकि क्यों भाई? अरे वो सारे सारे का कार्बन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर, ये भी कार्बन sp3 है, ये भी कार्बन sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, सबके सब तो sp3 ही है उसके विसिनिटी में। इसको तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, सॉरी दो तरफ से मिल रहे हैं और एक तरफ से इसका पुल हो रहा है। यहां पर एक तरफ से पुल हो रहा है और एक तरफ से मिल रहा है, कौन ज्यादा स्टेबल कौन ज्यादा अनस्टेबल होएगा? सर बी ज्यादा अनस्टेबल है सर, ऑब्वियसली तो फिर बी ए नहीं, बी ए सी बी नहीं, डी बी ए सी। बी ए सी। बाकी लोग, एनी चेंज इन दिस ऑर्डर? सर हाँ डू वी ऑल अग्री टू दिस और डू वी हैव एनी अदर आइडिया? एक मिनट, हाँ ठीक है, देख लो, पूछ लो, फिर रिप्लाई करो, नो हरी। सर हाँ वही, ठीक, दिस इज राइट, परफेक्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटरमीडिएट, दैट इज फ्री रेडिकल। अरे थ्री सी फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल क्या होता है? एन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड इन होमोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ एन ऑर्गेनिक
केमिकल स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन कार्बन एटम। With 7 electrons, in which one electron is unpaired, ठीक है, that is odd electron. The free radicals are paramagnetic in nature. पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स आर स्ट्रक्चर, they have three structures, they could be either planar, sp2 or carbon three bonds. This happens to be in non-hybridized, so this will be sp2 carbon, or it could be pyramidal. और फॉर दैट मैटर CCl3 डॉट, पिरामिडल हो गया तो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक SP3, और इट कुड बी बेंट ऑल्सो. एज इन केस ऑफ बेंजाइल फ्री रेडिकल, दिस इज गोइंग टू बी बेंजाइल फ्री रेडिकल और अलाइल फ्री रेडिकल. डिफिकल्ट टू बी फॉर्म बट दे आर फॉर्म, ठीक है, दो दे आर डिफिकल्ट बट स्टिल दे आर फॉर्म. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, अच्छा यहाँ पर एक चीज और भी है, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, प्लेनर फॉर्म है, जनरल जनरली प्लेनर, जनरली प्लेनर, बट पिरामिडल मिडल बेंड एंड इवन ब्रिज हेड फ्री रेडिकल्स हैज बीन रिपोर्टेड और ऑब्जर्व्ड, रिपोर्टेड स्लैश ऑब्जर्व्ड, ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन SP2 to SP3, इट इज नाइदर फुल्ली SP3 नॉर फुल्ली SP2, इट लाइज इन बिटवीन समवेयर. एक्सट्रीमली रिएक्टिव due to
प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दस ट्राइज टू फॉर्म बॉन्ड्स ट्राई टू फॉर्म बॉन्ड टू रिलीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फ्री रेडिकल्स में रैपिड रैपिड इंटरकन्वर्शन, इट्स नॉट इंटरकन्वर्शन, इन्वर्सन, रैपिड इन्वर्सन और फ्लिपिंग ऑफ पिरामिडल शेप टेक्स प्लेस एनी बल्क प्रेजेंट ऑन फ्री रेडिकल कार्बन और हिंडर्स द प्रोसेस इनवर्सन। ओके, सोर्सेस क्या है? ठीक है, सो सोर्सेस में जनरली ये होता है ना, कुछ कुछ हलाइट्स बेसिकली बेसिकली बीआर, ठीक है, बीआर वाला जो हलाइट होता है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन्स स्पेशली ब्रोमो अल्केन्स। ठीक है, और पेरोक्सो मॉलिक्यूल्स
और मॉलिक्यूल्स इनिशिएटेड इनिशिएटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशंस, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एडिशंस, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एडिशंस। यहाँ पर पेरोक्सो मॉलिक्यूल से मेरा मतलब एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ एनी एंटिटी कैपेबल ऑफ जेनरेटिंग फ्री रेडिकल। जनरली पेरोक्सो इज अ एंटिटी विच इज वेरी मच कैपेबल ऑफ जनरेटिंग फ्री रेडिकल। हाउएवर देर आर अदर्स ऑल्सो, जैसे ClCl एक्सपोज टू एच न्यू या एच न्यू ऑफ यूवी, ठीक है, या इवन Br एक्सपोज टू डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट। सो दे आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग फ्री रेडिकल एंड एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इनिशिएटेड अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एडिशंस रिएक्शंस एंड दे आर गोइंग टू बी सोर्स ऑफ ये सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। बेसिकली ये जो होंगे ये, या फिर यहाँ से पेरोक्सो वाले मॉलिक्यूल्स जा करके कुछ, ये जो होते हैं पहले खुद से ब्रेक करते हैं बहुत इजीली, फिर किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक कराते हैं और वो उससे जनरेट हुआ हुआ फ्री रेडिकल जो है ना वो जाकर के फाइनली आपके अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल हमारा RCl है, ठीक है। अब कोई पेरोक्सो आएगा ना तो वो बेसिकली आर के साथ या सीएल के साथ जिसके साथ बेटर बॉन्डिंग उसकी बन सकती है उसको पुल आउट करके और अपने साथ लेता चला जाएगा और दूसरा वाला सेंटर जो है वो फ्री रेडिकल बन गया। अब कहीं पर भी डबल बॉन्ड है तो ये घूमता हुआ आएगा और जिस पर इनमें से दोनों जो कम सराउंडेड होगा उसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जनरेट होएगा, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल फर्दर अलग अलग कोर्स ऑफ रिएक्शंस कर सकता है। सो द सोर्सेस एंड द रिएक्शन के लगभग साथ साथ इसमें चलते रहते हैं। एक्सप्लिसिट बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं बट इन जनरल ये सोर्सेस इसके रहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इज दैट ओके। द नेक्स्ट थिंग इज सोर्सेस के बाद इट कम्स टू स्टेबिलिटी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी,
है. सो द फैक्टर्स विच आर प्राइमरली देयर इज वन थिंग इज कॉन्जुगेशन. ठीक है, डीलोकलाइजेशन. थ्रू कॉन्जुगेशन एंड दूसरा डीलोकलाइजेशन थ्रू डीलोकलाइजेशन थ्रू कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है. एंड मेनी अ टाइम्स बाय लोन पेयर कैरिंग सेंटर, बट ये वाला बहुत इफेक्टिव नहीं होता है. बाय लोन पेयर कैरिंग सेंटर्स. ठीक है. द ऑर्डर जनरली हैपेंस टू बी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है बेंजाइलिक, फिर इस बार आ जाता है अलाइलिक. ठीक है. बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल. द फॉर्मेशन एनर्जी फॉर दिस इज अप्रोक्सीमेटली 85 किलो कैल. फॉर विनाइलिक इट इज फॉलोड बाय दिस इज बेंजाइलिक. ठीक है. दिस इज फॉलोड बाय विनाइलिक. विनाइलिक देन टीएचएफ इज इक्वल टू 88 किलो कैल. ग्रेटर देन एंड दिस इज फॉलोड बाय 3 डिग्री सिस्टम. देन कम्स 2 डिग्री. इसका एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. नेवर द लेस 2 डिग्री के बाद फिर 1 डिग्री CH3 CH2 डॉट. दिस इज फॉलोड बाय CH3 डॉट एंड दिस विल बी देन फॉलोड बाय विनाइल. CH2 double bond CH dot and this is then followed by phenyl.
तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन जनरल. डिलोकलाइजेशन ऑफ दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन ओवर द सिस्टम इज द की टू दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर. इसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इन दोनों में सबसे ज्यादा इसमें है, उसके बाद इसमें है. हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू यहाँ पर भी हो सकता है थोड़ा डिस्बर्सल, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत जितनी पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से ऑर्डर है, इनमें नहीं है तो दिस इज द ऑर्डर. ठीक है, हाँ बोलो ना, तो मुझे भी निकलना है, तो क्या हुआ? मुझे भी निकलना है। नहीं मैं भी खत्म ही कर रहा हूँ, जस्ट हैव टू डिस्कस. तीन क्वेश्चन है उनको डिस्कस करना है फिर खत्म हो गया. सो दसवां ही क्वेश्चन करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगा. निकलना चाहते हो तो निकल सकते, क्वेश्चन ही सिर्फ करना है बाकी कुछ नहीं. मतलब मुझे थोड़ा, सर आप हाँ प्लीज इसका फोटो भेज दोगे ग्रुप पे लिखने के बाद? हाँ ठीक है. स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. We have CH2 P double bond O CH3 dot CH2 CH2 C double bond O H dot, which is expected to be more stable. CH2 OCH3 and CH3 CH3 CH3. This is B, this is A, which is more stable. Thirdly, CH2 dot O CH3 A followed by B CH2 dot NH and CH3 B and followed by 5 CH2 dot C, which is more stable and which is less stable. And last one is cyclohexane A, cyclohexane B, तो फर्स्ट वाले में कौन ज्यादा स्टेबल होएगा, वन और टू में, ए एंड बी में? ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सल किस तरफ ज्यादा हो सकता है? बेसिकली यहां आपसे रेजोनेटिकली हो सकता है और यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिवली होएगा. तो वन ऑब्वियसली हाँ, वन वन में. सो ए इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन बी. हाँ ए मतलब राइट, वही एज बेटर था। यहां पर ए और बी में क्या होगा?
बी क्यों? चलिए एक सेकंड, सेकेंड वाले का क्या होगा? अगेन यहाँ कॉन्जुगेटिव पॉसिबिलिटी है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज देखा जाए तो ऑक्सीजन कैन पुल ऑफ मोर कंपेयर टू दिस। यहाँ पर क्या है, इंडक्टिवली बेसिकली इसी के तरफ बिल्ड हो रहा है डेंसिटी, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ पे पड़ा दिख रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएटिंग थिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेटिंग ट्रांसफर टुवर्ड्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरिंग सिस्टम, वेर इज यहाँ पर ये अगेंस्ट में जा रहा है, खींचा जा रहा है यहाँ से। सो ए इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन बी। या रेजोनेटिकली या देखोगे तो ये रेजोनेटिकली यहाँ पे ट्रांसफर होएगा, यहाँ पे ट्रांसफरेंस जो होएगी दैट वुड बी ओनली हाइपर कॉन्जुगेटिव एंड दैट टू अगेंस्ट द विल। हाइपर कॉन्जुगेटिव फायदा यहाँ पर मिलेगा नहीं, क्योंकि एच को इलेक्ट्रॉन लेना होगा, ठीक है? अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे एच का फ्री रेडिकल बनना होगा, ठीक है, चलो एच का फ्री रेडिकल बनता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सो इट्स फाइन, मतलब है। बट यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन ही है, यहाँ पर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइजेशन है, तो कॉन्जुगेटिव इज गोइंग टू विन ओवर हाइपर कॉन्जुगेटिव। इंडक्टिवली देखते हैं तो दिस विल बी मोर dispersed toward this side, whereas this will be concentrated towards this center. So A is going to be more stable than B. C, third वाले में क्या होगा order? और ए और सी में से कौन सा बड़ा हो? क्या क्या? ए और सी में से कौन सा, कोई तो ग्रेटर होगा। हाँ देखो, सी इज ऑल इज गोइंग टू विन। यहां पर सारी चीजें कॉन्जुकेटिवली हो रही है, यहां पर इन दोनों के बीच में इंडक्टिव कंपैरिजन होएगा, यहां पर कॉन्जुकेटिव होएगा, तो अनडाउटेबली सी इज मोर सी इज स्टेबल। द ग्रेटर। हाँ अब ए और बी में कौन सा रहेगा? तो ए इज गोइंग टू बी लीस्ट स्टेबल, सॉरी बी इज गोइंग टू बी द लीस्ट स्टेबल एंड ए इज गोइंग टू बी बेटर देन सी, फॉलोड बाय ए एंड फॉलोड बाय बी। इंडक्टिवली ये विड्रॉ नहीं कर पाएगा, ये इंडक्टिवली रिलेटिव मतलब रिलेटिवली कम विड्रॉ करेगा, ये ज्यादा विड्रॉ करेगा। इज दैट ओके? हाँ सर, नेक्स्ट वन सेम ऑर्डर, पक्के से? नहीं मतलब उल्टा, मतलब डीसी भी हो। भाई, डी सबसे कम स्टेबल है, इसका ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ये रिंग के प्लेन में कभी नहीं आ पाएगा, तो ये डीलोकलाइज नहीं होगा, ये हमेशा लोकलाइज रहेगा। इज दैट ओके? ओके सर, इस वाले केस में और इस वाले केस में आ सकता है, और इसमें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कॉन्जुगेशन की। सो इट इज गोइंग टू बी डी इज लीस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय ए, फॉलोड बाय बी एंड ग्रेटेस्ट इज सी। इज दैट ओके?
यस सर। बात समझ में आई? ठीक है फिर, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के दो जो टाइप्स हैं, दो मतलब इंटरमीडिएट्स, दो ही बचे हैं आपको, और ट्रिपलेट कार्बीन और सिंगलेट कार्बीन, उनको मैं कवर कर लूंगा। एंड देन वी विल गेट इनटू पॉलीफिजन वाले, एंड देन वी विल गेट इनटू एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ठीक है? एंड वी विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। इज दैट ओके है? सर आप कल आ रहे हो या फिर कल ऑनलाइन ले रहे हो? सर नहीं ऑनलाइन, नहीं, कल ऑनलाइन ही ले रहा हूँ, कल ऑनलाइन ही होगा। हाँ सर। सर वो मैंने ना सुना नहीं था, वो स्टार्टिंग में आपने बोला ना कि मैथ्स का वो दूसरा सर लेने वाला है,